ट्राइब हैं, तो ट्राइब हैं तो आप उनको दैत्य, दानव, असुर तो हजारों सालों से कहते आ रहे हो, तो अभी भी यही कहेंगे आप लोग? हमारा आपका जैसे विकास हो रहा है तो हमारा विकास विकास नहीं है? चावल दे देने से, कुछ फ्री कर देने से यहाँ के ट्राइब का विकास नहीं होगा। उनको उच्च शिक्षा देना पड़ेगा, उनको संविधान क्या है समझाना पड़ेगा, उनको इतिहास क्या है वो भी समझाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ का विकास हो सकता है। तालकोट के लास्ट गांव में हम लोग आए, जमीन सतह के बहुत नीचे आए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे आम के पेड़ हैं। और पहले यहाँ एक दाई है, उस दाई को नमन करके फिर आगे चलते हैं। पहले और यहाँ पे जो प्राकृतिक सौंदर्य हम कहते हैं ना, वो है यहाँ। और यहाँ से नीचे कुछ दूर 3-4 किलोमीटर चलते जाना पड़ेगा, वहाँ पे है एक गुफा, उस गुफा को हम देखने जा रहे हैं। जैसे कहते हैं कि भाई रावण का जिक्र आता है अपने गोंडी में, हाँ हाँ, कैसे बताया जाता है कि वह ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये जलधारा है, यहीं से आता है। तो पाइप वगैरह लगा दिया गया? हाँ, यहाँ पे पाइप लगा दिया है पीने के लिए, यहाँ से दूर दूर से। ये कहाँ से आ रही है किसी को पता नहीं। ये पानी का स्थान यहाँ से पेड़ के अंदर से, जहाँ देव स्थान है, कली गाई का देव स्थान। पूजे जाता है गोंड समुदाय के द्वारा। ये जल की धारा पर्यंत बहती रहती है, कंटिन्यू बहती किसी भी मौसम में। ये है यहाँ पर कली गाय की पूजा की जाती है प्रतिवर्ष, हमारे गोंड लोगों की, गोंड सभा की ओर से और हमारे भूमिका संघ की ओर से। क्या बात। और अन्य राज्य से भी यहाँ पे हमारे भूमकगण आते हैं और यहाँ पर जीवा बहुत किया जाता है। तो दोस्तों, एक्चुअली ये स्पॉट पतालकोट के लास्ट गांव में है और आप जानते हैं कि हम 1819 किलोमीटर अंदर आए हैं पतालकोट के अंदर, जमीन सतह के अंदर। तो ये जो पानी है, ये जलधारा है, ये जलधारा कहीं ना कहीं से आ रही है, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं। ये जो बड़ा पेड़ गिरा है इससे आ रही है। तो यहाँ पे गोंडियन हमारी कंकाली दाई की स्थापना है, तो कंकाली दाई को समाज हर साल यहाँ पे पूजता है, जीवा भाव भी देते हैं। तो ये धारा 12 महीने कंटिन्यू ऐसे बहते रहती है। तो ये भी एक वो स्थल है प्रकृति का, जिस स्थल में एक हम कहते हैं कि एक अद्भुत धारा निकली है जो कंटिन्यू बह रही है। ऐसा ही हम सिचुएशन हमने देखी थी वल्लेकनार में, जहाँ पे लिंगो पेनकर साड़ में हमने देखा कि जमीन से वो धारा आ रही है, वैसे कुछ यहाँ से। और ये पानी, मैं 100% श्योर हूँ ये पानी पूरा शुद्ध जल होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेड़ों के जो जड़ है, उस जड़ से वो पानी आ रहा है। तो बहुत ही बेटर है, बहुत ही बढ़िया ये अनुभव है। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ यहाँ पर पाई जाती है, ऐसे कहा जाता है भी यहाँ पे जड़ी बूटियाँ बहुत सारी पाई जाती हैं यहाँ पे। और यहाँ से आपको बता दूँ, यहाँ से जड़ी बूटियाँ लेकर हमारे ट्राइबलों से बहुत सस्ते में खरीद कर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अपने अपने फार्मा, ये वो अमका डमका आयुर्वेद सब बना रहे हैं, लेकिन यहाँ के पतालकोट के ट्राइब को हाईलाइट नहीं कर रहे। लोगों को यही बताते हैं कि पतालकोट में जाने के बाद ये होगा वो होगा, इंसान को प्राणी बनाएंगे, बोने लोग रहते हैं, अमका रहते हैं, ढमका फलाना टिमका रहते हैं। इन लोगों को ये हाईलाइट नहीं करते, क्योंकि इनके पास से सस्ते में जड़ी बूटी मिलती है और वही जड़ी बूटी पैक करके वो आपको बेचते हैं। ये है वो है सब कुछ बताते हैं, लेकिन वो कहाँ से लाए ये नहीं बताते। तो ये पतालकोट का टूर आपके जहन में रहे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टूर है। हमारे साथ विकी जी हैं जो यहाँ के बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं यहाँ का, उनसे हम बातचीत करते चलेंगे। जैसे वो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पातालकोट के परिक्षेत्र में मैं पहुँचा हूँ। पातालकोट की सबसे नीची जगह
जो लास्ट गांव से ख़त्म हो जाता है, लेकिन वहाँ से भी एक दरी है, उससे हम चलते आए हैं और यहाँ पे पहुँचे हैं। हमें पता लगा था कि यहाँ पे एक गुफा है, जिस उसको ढूंढने के लिए हम पातालकोट आए। तो यहाँ पे हमारे बच्चे भी हैं जिन जो हमें लेके आए। आपका नाम क्या है? राम भरोस। पूरा नाम? पूरा भारती। भारती। और आपका? विनोद भारती। विनोद भारती। कौन सी कक्षा में? 9th। और आप? 8वीं। 8वीं और 9वीं के बच्चे आप? स्कूल पढ़ते हैं? बढ़िया। तो ये बताइए, यहाँ पे कोई अभी तो आप तो छोटे हैं, आप तो नहीं आए होंगे ज़्यादा, लेकिन आपके पिता वगैरह कोई, तो यहाँ पे कोई ऐसी गुफा है जिस गुफा के बारे में लोग जिक्र करते हैं? नहीं, यही यही है। इसके आगे वगैरह नहीं, कुछ नहीं। आप घूमे हैं पूरा? हाँ। बिल्कुल नहीं है? नहीं है। बहुत दूर, बहुत दूर। तो यहाँ पे पूजा कब होती है? लोग आते हैं तो पूजा कर दे। कब कब, यानी महाशिवरात्रि में होती है क्या? ऐसा कुछ पता है? नहीं। चलो ठीक है, तो आते हैं हम वीके जी के पास जो यहीं के क्षेत्र के हैं, हमारे भूमिका भी है। तो जरा ये गुफा के बारे में बताओ जितना आपको पता है। सभी हमारे दर्शक गणों को जैसे हो जय जोहार। आ जाओ सामने, आ जाओ थोड़ा। हाँ, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम यहाँ पातालकोट के काफ़ी अंदर गहराई में खड़े हुए हैं, जो ऊपर देखने पर ऐसा लग रहा है कि कोई जैसा बना होगा, है ना, पत्थरों की आकृति का, और एक एक बूंद यहाँ पे मतलब गिर रहा है, पानी गिर रहा है। हाँ, तो वैसे भी पहले हमारे बहुत से हमारे जो सामाजिक चिंतक गण हैं, और पुनेमाचारी है, या फिर जैसे कि वैद्य कह सकते हैं, इनके द्वारा भी हमने सुन रखे थे कि यहाँ पर मतलब ऐसी जगह है जहाँ पर कि कह सकते हैं आप जैसे कि देखते हो, है ना, धारावाहिक में या जो भी मतलब ऐसे सीरियलों में कि वो पाताल लोक ऐसा नाम आता है, और वहाँ के राजा अहिरावण ऐसा कहते हैं, और हमारे पुणे में भी ये देव रूप में पूजे जाते हैं, अहिरावण जैसे जो हमारे राजा रहे, देव रहे। तो ये है स्थान भी हमारे गोंडी गढ़गाथा के अनुसार हमारे शंभु जी द्वारा बनाया गया एक कोट स्थल है, जिसको कि पाताल कोट कहा जाता है, हजारों वर्ष की परंपरा के अनुसार आज भी है, नाम कायम है। तो आज हमारे कन्नाके जी के माध्यम से, है ना, इसके पहले भी हमने यहाँ मतलब आने की कोशिश की है, लेकिन नहीं आ पाए, लेकिन हमें भी सौभाग्य मिल गया कि आप लोग के द्वारा हम भी यहाँ मतलब आ गए इस स्थान पे। गुफा के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। हमने सुन रखे थे कि जैसे कि आज ही स्थान है ना, यहाँ पर काफ़ी दर्शनार्थी आते हैं और यहीं से चले जाते हैं, लेकिन वह जहाँ पर हमारे जो राजा रहे या फिर वहाँ पर लुके हुए थे, कह सकते हैं मतलब बाहरी जो आक्रमणकारी आए उनके डर से वह लुक गए, लेकिन अभी भी वह जगह यहाँ पर गुप्त है ऐसा बताया जाता है, और वहाँ जाना मुश्किल है, मतलब खतरा है, लेकिन अभी भी हम मतलब काफ़ी अंदर आ चुके हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए काफ़ी वक्त और समय लगेगा, यानी आगे आगे भी बहुत सारा है, अभी भी मतलब काफ़ी खाइयाँ हैं इधर पे। हाँ, यानी हमने जो घुमा है वो 5% ही है। जी जी बिल्कुल, 5% है। अभी भी यहाँ पर ऐसे और भी कुछ गांव है जो वीरान है, जंगलों के अंदर है, और वहाँ भी जाना मुश्किल है। तो यानी कुछ गांव यहाँ के लोगों के संपर्क में नहीं है। जी जी, वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जी, अरे बाप। हाँ, मतलब सरकार के जो रिकॉर्ड में कुछ गांव ऐसे, क्यों भाई बच्चों को मालूम है, तो वो रिकॉर्ड से बाहर है, कुछ लोग वो लोग मिलते नहीं है तुम लोगों से, वो अंदर ही जंगल के अंदर रहते हैं। अरे बाप, कभी किसी ने देखा है आपके पिता वगैरह ने? तो फिर ये कहते कैसे है, किसने देखा तो कहते हैं ऐसे? कहते हैं ऐसा बताया जाता है, बाकी मिलते तो होंगे, लेकिन हो सरकार के रिकॉर्ड में नहीं, दर्ज नहीं है गांव, बाकी तो मतलब गांव है यहाँ पे, लेकिन रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। और फिर अभी तो फिलहाल हम यहाँ आए हुए हैं, है ना, जंगल भी मतलब काफ़ी यहाँ पर है, और वक्त भी मतलब समय बहुत हो चुका है, और अगर घूमना चाहें तो घूम भी नहीं सकते। बिल्कुल दोस्तों, अभी लास्ट पॉइंट पे आता हूँ। पॉइंट ये है कि पहले, सबसे पहले यहाँ के लोगों को डराया गया था, वो किंवदंती के द्वारा। क्या बताया गया था कि पातालकोट के अंदर ऐसे कुछ लोग रहते हैं जो बौने होते हैं, जो इंसान को प्राणी बना देते हैं, जो जादुई मंत्र जानते हैं, जो खुखार होते हैं। तो एक्चुअल में इसकी तरफ गवर्नमेंट का ध्यान कम गया, और ये अब जब ध्यान गया और रोड बन के आए यहाँ तक, तो इसका विकास होने लगा। लेकिन इस विकास के दौरान आपको ये नहीं पता कि यहाँ के ट्राइबलों के जड़ी बूटी का इस्तेमाल पूरे देश भर में हो रहा है।
यहाँ के ट्राइबलों को नज़दीक लाने का, रोज़गार देने का एक ही कार्य है कि आज भी यहाँ के जो मेन अनुभवी लोग हैं, तजुर्बेकार लोग हैं, वो इस नीचे सतह में आते हैं, यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट जड़ी बूटी जमा करते हैं और वो किसी डीलर के हाथ में देते हैं। हालांकि इनको पैसा उनको जड़ी बूटियों जैसा नहीं मिलता और वो जड़ी बूटी सीधा बड़े बड़े फार्मा कंपनी में जाती हैं, जो बड़े बड़े आयुर्वेद के बोर्ड लगाए हुए कंपनी हैं, लेबल लगाए हुए हैं, उनके पास जाती है और वो लोग यही सामान, यही जड़ी बूटी हज़ारों में बेचते हैं। जो आपको लगता है कि आप पेस्ट लेते हो, आप साबुन लेते हो, आप कुछ पाउडर लेते हो, तो उसमें बताया जाता है इसमें लौंग है, इसमें ये है, अमका है, डमका है, फलाना टिमका, ये सभी यहाँ के ट्राइबलों के क्षेत्रों से ये जड़ी बूटी जाती है और यहाँ के ट्राइबलों का इस्तेमाल भी यहाँ से हो रहा है। तो उसकी एक वजह हो सकती है कि जो हमें ट्राइबल लोग ये जड़ी बूटी प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोगों को अंधेरे में रखा जाए। इसलिए ये किंवदंती, मैं भी यहाँ पे आने वाला था बहुत साल पहले या 2-3 साल पहले, तो मुझे फ़ोन पे ही यहाँ के लोगों ने बताया था कि नहीं सर जी, बोले अंदर नहीं जाने देते, अंदर जाने देते तो ये होता है वो होता है, वहाँ के लोग डरावने होते हैं, खुकार होते हैं। अरे भाई, वो अपने जैसे लोग हैं, ट्राइब हैं, तो ट्राइब हैं तो आप उनको दैत्य, दानव, असुर तो हज़ारों सालों से कहते आ रहे हो, तो अभी भी यही कहेंगे आप लोग? हमारा आपका जैसे विकास हो रहा है तो हमारा विकास विकास नहीं है? तो यहाँ पे अब देखा मैंने, बिजली पहुँची है, बहुत सारे राज पहुँचे हैं, दोनों बच्चे हैं 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि एजुकेशन भी यहाँ तक पहुँचा है, दिक्कत मुझे उससे नहीं है। लेकिन इस स्थान के, इस यहाँ के सरकार को ये बताना है, आप बड़े बड़े विधायक हो, यहाँ पे आते हो, चुनाव इलेक्शन के टाइम में यहाँ पे माहौल बनाते हो, तो आपका एक कर्तव्य भी है कि इनके लोगों के जो ये जो जड़ी बूटियाँ जमा करते हैं, इनका एक मार्केट बनाया जाए और इनके जड़ी बूटी को सही दाम मिले और इनके जड़ी बूटी को कोई फार्मा वार्मा आके कोई ले ना जाए सस्ते में, तब जाके इन लोगों का विकास होगा, तब जाके इन लोगों के हाथ में पैसा रहेगा, तब जाके इन लोगों का कुछ बड़ा हो सकेगा, ये लोग भी बड़े सपने देख सकेंगे। लेकिन कब? जब इनके काम को बड़ा दाम मिलेगा तब। तो गवर्नमेंट यहाँ के पतालकोट के हमारे जो ट्राइब है उन लोगों के लिए जो जड़ी बूटियाँ जमा करते हैं, आज आपको पता नहीं है लेकिन जो भी आपके घर में औषध आती है, दवाई आती है, उस दवाई में जो जड़ी बूटी मिलती हैं वो यहाँ के 99% ट्राइबल लोग ही जमा करके गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं या बड़े बड़े फार्मा कंपनी को सप्लाई करते हैं। अगर इनका खुद का मार्केट बने और खुद मार्केट बनाए ये लोग, तो इनका कितना फ़ायदा है। तो इसलिए गवर्नमेंट से, यहाँ से, इस तल से दरख्वास्त है, मेरी विनंती है कि आप इनके जड़ी बूटियों को एक मार्केट बना के दे, जिस मार्केट में ये अपने हक से बेच सके और उसमें ज़्यादा मुनाफा थोड़ा कमा सके और अपने परिवार को एक उच्च शिक्षा, परिवार को एक उच्च सुख आप ये लोग दे सकें। तो रहा इतिहास का, इतिहास की बात, तो येरगुंटा कोर में जो पातालकोट कोट आया लास्ट में, तो सबसे पहले कोट पद्धति थी गोंडवाना की, उसके बाद आई गढ़ पद्धति और उसके बाद आई अभी ये शहर सिस्टम आई है। तो गढ़ के पहले का जो कोट सिस्टम था, ये है प्राचीन पातालकोट, जहाँ पे ये आज भी प्राचीन ट्राइब रहते हैं। तो इन लोगों के घर देखे मैंने, यहाँ के अभी रोड पहुँचाए, मोबाइल पहुँच गए हैं, एजुकेशन पहुँच गया, यहाँ पे मेरे ख्याल से हॉस्पिटल भी है, ऊपर है, नीचे नहीं है हॉस्पिटल। और तो ऑटो वगैरह कुछ आता है यहाँ पे, गाड़ी वगैरह, या अपनी अपनी सेपरेट लेके जाते हैं? कोई पैदल जाते हैं, पैदल भी जाते हैं अभी भी? हाँ। अरे पैदल भी जाते हैं और टू व्हीलर भी है घरों घर में, टू व्हीलर से भी जाते हैं। तो आप पढ़ाई करते हो तो हॉस्टल में रहते हो? हाँ। आपके हॉस्टल का नाम क्या? बिजोरी आश्रम बिजोरी है। आश्रम स्कूल है? नवीन बालक आश्रम बिजोरी, बिजोरी में आश्रम स्कूल है। तो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे ही पढ़ते हैं? जी जी जी। तो आश्रम स्कूल है, आश्रम स्कूल का सहारा लेकर बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बच्चे ही हैं जो हमें यहाँ तक लेके आए हैं, हमें तो कोई रास्ता पता नहीं था। लेकिन दर्शकों से कहना चाहूँगा, और कुछ कुछ मिले तो वो दिखाऊँगा, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि हर क्षेत्र के ट्राइब को जितना मिलना चाहिए उतना अधिकार नहीं मिल रहा है। मैं जितने भी इलाके घूम रहा हूँ, यहाँ पे तो ज़्यादा से ज़्यादा जड़ी बूटियों के लिए बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग। जो इस पातालकोट में जड़ी बूटी मिलती है वो और कहीं नहीं मिलती, इसके लिए उनके कॉम्पिटिशन चलते हैं। लेकिन एक बात है कि हमारे यहाँ के ट्राइब को एक मार्केट बनाया जाए, जो मार्केट में वो अपना सही दाम सही हक से ले सके, तब जाके उसके मेहनत रंग लाएगी, तब जाके उसकी मेहनत काम आएगी और हम भी बोल सकते हैं कि चलिए यहाँ की गवर्नमेंट कुछ कर रही है। नहीं तो चावल दे देने से, कुछ फ्री कर देने से यहाँ के ट्राइब का विकास नहीं होगा। उनको उच्च शिक्षा देना पड़ेगा, उनको संविधान क्या है समझाना पड़ेगा, उनको इतिहास क्या है वो भी समझाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ का विकास हो सकता है।
तो दोस्तों यहीं पे रुकता हूँ, उके जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कैमरामैन हमारे नर्रे जी राजू नर्रे जी उनको भी बहुत बहुत सेवा जोहार, हमारे जो अपनी गिधाल कोड़ा पे बैठा के लाए हैं जिनकी अटिगा है वो हमारे दोस्त जो अभी नहीं तो एक डेढ़ साल पहले से हम लोग अलाय ब्रिद के नाम से घूम रहे हैं उनके गाड़ी में, तो उनको भी बहुत सेवा जोहार और आपको भी दोनों की बहुत सेवा जोहार करता हूँ और बहुत बहुत थैंक्स आप यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा जय जोहार जय दिवसी जय गुणवाना जय पड़ा पिंता सेवा सेवा, सेवा।